वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप ख़ैरियत से होंगे फार्म की तरफ से एक बार फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ आज मैं आपके लिए बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ कि बछेरों की वो क्या चीज़ हम मैर करें वो क्या चीज़ हम पेमाइश करें कि हमें उसके एक अंदाज़ा हो जाए कि वो बड़ा होकर कितनी हाइट करेगा हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी एक चीज़ होती है कि घोड़ा कितनी हाइट करे हाइट को बड़ा पसंद किया रहता है तो इस हवाले से आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बड़ी आसान है बट वीडियो तब स्टार्ट होगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कर लिया प्लीज़ कर लीजिए तो शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो मैं आपको एक अंदाज़ा आपको एक बता रहा हूँ कि एक वछेरा जो होता है आपने उसकी जो मैरमेंट करनी है वो आपने मुमा तीन माह के बाद आपने उसकी मैरमेंट करनी है और मैरमेंट पेमाइश जो है वो कहाँ से करनी है वो आपने ये जो हॉर्स की जो हेयर लाइन होती है जहाँ से बाल शुरू हो रहे होते हैं यहाँ से लेकर मिडल ऑफ द नी ज्वाइंट यानी उसका जो घुटना है उसका दरमियाना जो हिस्सा होता है वहाँ तक आपने उसकी मैयरमेंट करनी है वो फोटीन बने वो फिफ्टीन बने वो सिक्सटीन बने वो सेवनटीन बने तो उसके बाद ये देखिए जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखा रहा हूँ कि आपने एक फुट ले लेना है या एक पेमाइश का कोई आला ले लेना है उसको आपने वो जो बालों वाली जगह होती है वहाँ से स्टार्ट करना है और जो नी जॉइंट है उसका जो उसके घुटने का जो मिडल पॉइंट है आपने वहाँ तक जो है आपने उसको मैरमेंट करना है तो वो कितना बनता है उस हिसाब से आपने देख लेना है जैसा कि इस तस्वीर के अंदर जो है तकरीबन फोटीन पॉइंट टू जो मेयरमेंट है वो बन रही है तो आपने 14.2 पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय फोर कर देना है तो इज़ इक्वल टू फाइव फिफ्टी जो है उसकी तकरीबन वो हाइट बनेगी जो वो बड़ा होकर अमूमन निकालेगा ये मैरमंड जो है थारोब्रेड हॉर्सेस के अंदर बाकायदा इसको हैंड्स के ज़रिए से नापा जाता है और बाहर के मुल्कों में भी ये तरीका का राइज होता है लेकिन एक अंदाज़ा होता है इससे दो तीन इंच मज़ीद भी ऊपर भी जा सकता है दो तीन इंच जो है वो नीचे भी जा सकता है जहाँ तक बात हमारे पाकिस्तानी हॉर्सेस की है बच्चों की है उनमें सोलह सत्रह अठारह तक की हाइट जाती है और फिर उसको आपने चार से ज़रब दे देना है तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यार ये वाला वछेरा जो है वो कितनी हाइट करेगा मैंने बड़ा ही आपको आसान तरीका दे दिया है लेकिन ये तरीका सब पर लागू नहीं होता अमूमा हमारे देसी घोड़ों के अंदर दो से तीन इंच का बहरहाल फ़र्क आता है तो ख्याल रखिएगा खुश रहेगा